ये है दिल्ली दर्पण दिल्ली एनसीआर का नंबर वन वेब चैनल। आजादपुर मंडी में लूट और हत्या के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक बार फिर मंडी के फल के गेट पर आजादपुर मंडी प्रशासन के दफ्तर के ठीक सामने कारोबारी अनिल को दो बदमाशों ने गोली मार दी। गोली मारने के बाद बदमाश कारोबारी की गाड़ी से 10 लाख रुपयों से भरे बैग को भी लेकर फरार हो गए। घटना दोपहर 3 बजे की है। अनिल अपने मालिक के साथ मंडी के गेट पर वैगनार गाड़ी के बाहर खड़ा हुआ था। इसी बीच बाइक पर आए दो लड़कों में से एक ने अनिल को गोली मार दी, जबकि दूसरे ने गाड़ी से बैग लिया और दोनों मौके से फरार हो गए। भारी भीड़ के बीच अचानक ये सब कैसे हुआ, किसी को कुछ समझ नहीं आया। यहाँ से कैश का बैग लेके आ रहा था, मैंने उसको बोला कि आ जा, हम यहाँ से बैठ के दुकान पे जाना था। दो कदम की दूरी पे ही एकदम से फटाका मेरे को सुनाई दिया, मेरे शीशे बनते फटाकों से दिया। एकदम से मैंने सामने देखा कि क्या कहते हैं, एक लड़का मेरा बैग लेके भाग रहा है। तो मेरे को लगा कि मेरा बैग कैसे लेके भाग रहा है। एकदम से बाहर आया तो मैंने अपनी मुंशी को देखा, वो हाई लग गया, हाई लग गया, वो एकदम से इधर भागा। मैं उस साइड भागा कि कहता उसको क्या हुआ, गोली तो नहीं लगी उसको, क्या तो नहीं हुआ। गोली अनिल के पेट में लगी, जिसके बाद उसे बाबू जगजीवन राम अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी नाजुक हालत को देखते हुए उसे फोर्टिस अस्पताल में रेफर कर दिया गया। पास ही के सराय पीपलथला का रहने वाला 25 वर्षीय अनिल पिछले कई सालों से आरती के यहां काम कर रहा था। दिन दहाड़े हुई इस घटना से व्यापारियों में भी खौफ का माहौल है। घटना को जिस तरह से अंजाम दिया गया उसे देखकर लगता है कि लुटेरों को पहले से ही इसकी पूरी जानकारी थी। बहरहाल गोलीकांड के बाद पुलिस फिलहाल मामले की जाँच की बात कह रही है। गोली मार के 10 लाख रुपए की लूट हुई है, अभी ये पता चला है। कौन है वो? अभी कितने बजे घटना है, कहाँ गोली लगी? अभी लगभग एक घंटा पहले की बात है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है। एशिया की सबसे बड़ी आजादपुर मंडी में इस तरह की ये पहली घटना नहीं है। यहाँ मजदूरों से लेकर कारोबारियों तक को लुटेरे बड़ी आसानी से अपना निशाना बना रहे हैं। कहने को तो मंडी में जगह जगह सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं और निजी गाड़ों को भी तैनात किया गया है। पुलिस भी पूरी मुस्तैद नजर आती है। बावजूद इसके मंडी में आपराधिक घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए योगेंद्र कुमार की रिपोर्ट। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज को लाइक करें या लॉग ऑन करें www.dellidarpantv.com। दिल्ली दर्पण टीवी पर खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर